क्या बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा से निपटने का मन बना लिया है? शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी के हमले के सियासी मायने क्या हैं? बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पिछले काफी वक्त से अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वे न सिर्फ केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि विरोधियों के मंच पर जाकर बीजेपी को मुंह भी चिढ़ाते रहे हैं। इन सब के बावजूद बीजेपी ने उनकी हरकतों पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन लगता है कि अब बीजेपी ने भी पलटवार करने का फैसला कर लिया है। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा में आम आदमी पार्टी का मन शेयर करने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शत्रुघ्न सिन्हा पर बड़ा हमला बोला। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा अनगाइडेड मिसाइल की तरह है, जो कहीं भी और कभी भी दग जाती है। इस दौरान नकवी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। नकवी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न और यशवंत सिन्हा ऐसे महापुरुष हैं जो सभी पार्टियों का मन शेयर करने और उनसे दोस्ती बनाए रखने का काफी शौक रखते हैं। हालांकि इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीजेपी में 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं और 1000 से ज्यादा सांसद विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा इसलिए कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं और पदाधिकारियों के मुंह पर टेप नहीं लगाती। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने उन्हें पप्पू के बाद गप्पू करार दिया। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद भी अपनी इमेज पप्पू गप्पू से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। राहुल को ये समझ लेना चाहिए कि 2019 में भी कोई पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और उन्हें वेट ही करना पड़ेगा। वहीं महागठबंधन के सवाल पर नकवी ने कहा कि कांग्रेस करप्शन का ऐसा क्रूज है जिस पर सवार होने वाले सभी लोगों का डूबना तय है। वैसे तो कांग्रेस प्रमुख बीजेपी का इस तरह से हमला बोलना कोई नया नहीं है, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा पर पहली बार पलटवार किया है, उससे सियासी अटकलों का दौर जारी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।